आज मैं पोहा बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं थोड़ी सी ये पोहा ले ली हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मूंगफली ले ली हूँ। अभी इसके लिए मैं थोड़ी सी गोभी छोटी छोटी ये मैं काट के ले ली हूँ, ये आलू मैं पतला पतला काट ली हूँ, ये कड़ी पत्ते थोड़ी सी, दो हरी मिर्च इसको मैं बीच से चीरक लगा के ले ली हूँ, एक टमाटर, ये थोड़ी सी नींबू और ये धनिया पत्ता है। यहाँ पे मैं कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें सरसों की तेल डाल दी हूँ मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, आप लोग रिफाइन में भी बना सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो गई है, अब इसमें मैं मूंगफली डाल दूँगी, इसको मैं पहले भून के अच्छे से निकाल लूँ। यहाँ पे देखिए मूंगफली अच्छे से मैं भून ली हूँ, अब इसको मैं निकाल लूँगी सारा, फिर इसमें मैं गोभी डाल के उसको भी फ्राई करके निकाल लूँगी, गोभी आलू बारी बारी से। यहाँ पे देखिए उसी तेल में मैं फिर गोभी डाल के फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे देखिए गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इस गोभी को भी हम निकाल लेंगे। उसी तेल में मैं ये आलू डाल दूँगी सारा, इसको भी अच्छे से फ्राई करके सारे आलू को निकाल लूँगी। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब सारे आलू को मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए अब इसी तेल में मैं थोड़ी सी पीली वाली सरसों डाल दूँगी, मैं प्याज नहीं डाली हूँ यहाँ पे, अगर आप लोगों को प्याज डालना हो तो ये जब सरसों पक जाएगी इसके बाद आप लोग इसमें प्याज डाल के, हल्की सी प्याज जब फ्राई हो जाएगी जब इसमें दो ये मिर्च डाल दूंगी, और इसमें मैं थोड़ी सी ये कड़ी पत्ता ये डाल दूंगी, तो ये टमाटर जो मैं ली थी वो टमाटर मैं काट ली हूँ, ये टमाटर मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दूँगी, इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं अच्छे से भून लूँगी। देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, इसको मैं भून दूँगी अच्छे से। अब इसमें जो हुई है गोभी और आलू में फ्राई करके रखी थी ये सारा इसमें डाल दूँगी, थोड़ी देर में इस सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून ली है और ये पक गई है, ये आलू गोभी अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पे जो मैं पोहा ली थी ये मेरी मोटी वाली पोहा थी, इसको मैं अच्छे से धो के थोड़ी देर में भिंगो कर रख दी थी, अगर आप लोग पतला वाला यूज़ करेंगे तो उसको तुरंत ही अच्छे से धो के और यूज कर दें। अब इसमें मैं ये सारी पोहा डाल दूंगी, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। गैस बिल्कुल कम करके रखना है और इस सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं इसको भून ली हूँ, अच्छे से फ्राई कर ली, मिक्स करके सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें मैं ये जो नींबू की रस ली थी वो मैं डाल दूँगी, तो मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं ये जो धनिया पत्ता उसको काट कर ले ली थी ये डाल दूँगी, और ये जो मूंगफली ली थी भुनी हुई वो डाल दूँगी, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। गैस को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा पोहा बन के तैयार हो गई है, देखिए पोहा अच्छे से बन गया है। इसमें मैं निकाल ली हूँ, अब इसके ऊपर मैं ये आधी चम्मच चाट मसाला ये मैं ऊपर से डाल दूँगी, और थोड़ी सी ये मिक्सचर ले ली हूँ मैं, ये इस पर
डालूंगी। आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी पोहा बन के तैयार हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।